अर्चना देवी कुछ तो शर्म कर लेती, आप कुछ तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोझ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अंकित गुप्ता की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आज अंकित गुप्ता का गेम खत्म हो गया बिग बॉस में। अंकित गुप्ता वापस नहीं आएंगे, उनका इंटरव्यू भी हमने ले लिया है। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो अंकित गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में जहां पर निमृत और प्रियंका के बारे में बहुत सारी बातें बोली है, वहीं साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने ये भी बात बोल डाली है कि यस, कहीं ना कहीं बायस थे। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो अंकित गुप्ता यहां पर चीजें तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंकित के इविक्शन पर अर्चना को बड़ी खुशी हुई। अर्चना ने, मैंने आपको याद है पहले भी कहा था, जब उसने टीना के मामले में उछल उछल के डांस किया था, सारी चीजें कही थी, मैंने बोला था कि यार अर्चना थोड़ा तो सेंसिटिव हो जाती, थोड़ा तो चीजें कर लेती, लेकिन नहीं, आज अर्चना और भी ज्यादा खुश नजर आई। क्यों? क्योंकि जो उसने डिसाइड किया था, दूल्हे को जो है दूल्हे की चीजें खत्म करने की बात बोली थी कि दूल्हे को आउट करना है, दूल्हे को ये, दूल्हे का वो, आज वो सक्सेसफुल रही। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं कि बिग बॉस के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज अर्चना भले ही खुश है, क्योंकि अर्चना अकेले खेल रही है, कंटेंट जिस हिसाब से दे रही है वो हम सबको पता है, लेकिन वहीं एक पल वो भी आएगा जब अर्चना के ऊपर भी गाज गिर सकती है बिग बॉस की। अर्चना भी बिग बॉस की स्क्रूटनी में शामिल हो जाएगी और अर्चना की भी स्क्रूटनी होगी ही होगी। आज ये शिव मंडली जो है, शिव, स्टैन, निमृत, साजिद, अब्दू, इन सब के साथ मिलकर खेल रही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि वो पल भी आएगा जब अर्चना तुम्हारे ऊपर ये सारी चीजें होंगी, तुमको पता चलेगा। अर्चना, देखो सलमान साहब ने खुद तारीफ कर दी कि अर्चना अच्छे मुद्दे उठाती है, जेन्युइन मुद्दे उठाती है, लेकिन क्या ये जाना दूसरे के दुख पर, ये सेडिस्ट अप्रोच होती है कि दूसरे के दुख पर आप अपनी खुशियों की रोटियां सेको, दूसरे की दुख की आग में आप जो है अपने भुट्टे को जलाओ, ऐसा नहीं होता है राजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको इतना तो सेंसिटिव रखना चाहिए कहीं ना कहीं, आपको इतना तो इंसानी जज्बात रखने चाहिए कि आप अगर कोई जा रहा है उस पर एटलीस्ट मिर्च मसाले तो मत लगाओ। ठीक है, ये आपकी रियलिटी है, ठीक है आप इस तरीके के हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हुआ है घर में, अब क्या कर सकते हैं। अर्चना डांस करते हुए देखी है, प्रियंका अंकित रो रहे हैं, अर्चना डांस कर रही है, क्या कह सकते हैं। आपको क्या है कहना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। चलता हूं मैं।